दिल्ली के सदन में एक बार फिर हंगामा हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायक पार्टी की टोपी पहनकर सदन में आए थे, जिसको लेकर दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। दो बयान आपको सुनाते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। इस उत्साह के अंदर और एक सिम्बोलिज्म की तरह से विधायक साथियों ने आज टोपी पहनी हुई थी, वही टोपी पहन के सब लोग विधानसभा के अंदर भी बैठे हैं। और मेरी जानकारी में नहीं है कि अगर इसके अंदर कोई प्रोसीजरल कुछ हुआ है नहीं हुआ है, बट मेरा जो मानना है व्यक्तिगत तौर पे, इसके अंदर कोई प्रोसीजरल दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाए। भारतीय लोकतंत्र की परंपराओं के विरुद्ध भारतीय संसदीय प्रणाली के इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि दिल्ली की विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सिंबल के साथ टोपी पहनकर वहाँ बैठे और एक प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन किया, और संविधान के अनुसार और मर्यादाओं के अनुसार ये एक प्रकार का सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला कार्य था। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस संदर्भ में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख करके मैंने रोष प्रकट किया है और आम आदमी पार्टी के विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई।